नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है लखन जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए बुला है। अच्छा अच्छा एक बात तो बताइए वैद्य जी, किसी ने अगर ये जहर दूध में मिलाकर पी लिया हो तो जहर पीने के कितनी देर बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा? अगर एक घंटे से ज्यादा समय हो गया हो तो जान बचाना मुश्किल है। मतलब पौने घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसे दवा पिला दें तो बच सकता है। हाँ हाँ, मगर ये तो बताइए जहर पिया है किसने? नहीं नहीं, पिया नहीं है, पीने वाला है। मेरी बेटी? अरे किसनवा देख रहे, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को रे? अरे क्या हुआ रे? क्यों? रुको रुको, मेरी बेटी को रे? भाई साहब, मैं खेत से वापस लौट रहा था तभी ये रास्ते में बेहोश पड़ी हुई मिली। मेरी तो जान ही निकलेगी जब मैंने ये खाली जहर की शीशी इसके पास पड़ी हुई पाई। क्या? इसने जहर पी लिया? हाँ। अरे किस अदवा, जिस बात का डर था वही हुआ रे। अरे एक मिनट ठहरो भाई, इस हालत में इसको वैद्य के पास ले जाना चाहिए। उठा उठा उठा। हमारे पास गया है भाई साहब वैद्य को बुलाने के लिए। अरे ताऊ जी, वैद्य भी आ गए। वैद्य जी जल्दी जल्दी देखिए लड़की को। जहर पिए लगभग आधा घंटा हो गया है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। रुक जाओ वैद्य जी, रुक जाओ। क्यों? अभी इसके जिंदा रहने की जरूरत भी क्या, इसे मर जाने दो। अरे पागल हो चंद्रमोहन, कैसी बातें कर रहे हो तुम, दवा दो भाई। अरे वैद्य के बच्चे, इस लड़की का बाप मैं हूँ, तुम इसको दवाई नहीं पिलाओगे समझे? अरे तेरे कारण मेरी बेटी पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तू इंसान ही चल रहा है। काका, मेरे देवता समान ताऊ जी के बारे में एक बुरा शब्द नहीं कहना वरना। ठहरो भाई ठहरो, तुम बच्ची को दवा तो पिला लेने दो, उसके बाद जी खोल के मुझे गाली देना बस। एक शर्त पर दवा पिएगी, राजा को बुलाकर मेरी लड़की के गले में अभी मंगलसूत्र डलवाओ, अभी अभी। देखिए समय बीतता जा रहा है, लड़की की हालत खराब होती जा रही है। चंद्रमोहन, तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो ना? हाँ। तो मेरे बेटे से कर दो। तुम्हारा बेटा? हाँ, अमावस से। अमावस? अरे तू, इससे अच्छा तो मेरी बेटी मर जाए। लड़की की हालत बिगड़ती ही जा रही है, अगर 5 मिनट में दवा नहीं पिलाया गया तो लड़की को कुछ भी हो सकता है। चंद्रमोहन, अमावस भोला है, उस गद्दार राजा से 1000 गुना बेहतर है, लाखन की बात मान लो। काका जी, राजा भी तो लावारिस ही था ना, वो तो ताऊजी ने उसके सर पे हाथ रख दिया तो वो राजा से राजा बाबू बन गया। ताऊजी जिसके सर पे हाथ रख देंगे वही बाबू बन जाएगा। अरे लेकिन इसका वारिस तो वही रहेगा ना। वारिस? चंद्रमोहन, अगले शुक्रवार को आके देखना, मैं सारे गांव के सामने कहूंगा कि मेरा वारिस अमावस है, इसको मैं गोद दे रहा हूँ बस। बाबूजी, हम लोग आप ही के पास आ रहे थे बाबूजी। इस दुनिया में कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, 1000 साल उसको नली में डाल के रखो मगर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मैंने कहलवा कर भेजा था और उसके बावजूद तुमने इस लड़की को घर में रखा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप ही ने तो चाचा जी से कहलवाया था कि अगर शुक्रवार तक मधु का स्वभाव बदल जाएगा तो शनिवार को आप हम दोनों की शादी तय कर देंगे। अरे भी क्यों, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो राजा बाबू, तोबा तोबा तोबा, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अरे भाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अगर शुक्रवार तक तुमने इस लड़की को घर से बाहर दफा नहीं किया तो बाबूजी हमेशा के लिए तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे। हाँ। अरे माँ, ये झूठ बोल रहे चाचा जी। सुनिए, देखिए, आपके गुस्से और अकेलेपन का फायदा उठाकर ये लोग हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, भगवान के लिए इनकी असलियत पहचानने की कोशिश कीजिए। ये आप क्या कह रही है भाभी जी, कल के छोकरी की बातों में आकर आप मुझ पर शक कर रही है, मुझ पर जिसने अपनी सारी जिंदगी भाई साहब की सेवा में गुजार दी, जिसने इस घर की एकता बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए, आप मुझ पर शक कर रही है? नहीं भाई साहब, नहीं, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। बस लखन, बस बस, मैं सबको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे अपने कौन है तो पराए कौन है सबको अच्छी तरह जानता हूँ। तो जी मुझे पता क्या लगता है, राजा ने इस लड़की के साथ को उल्टी सीधी हरकत कर दी है और वो भी इसके गले पड़ गई है। भागे! और नहीं तो क्या, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ताऊ जी की कई भी बात को टुकरा देते। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आपका कहा हुआ एक एक शब्द राजा के सामने आके दोहराया, अगर आपको यकीन नहीं आता तो राजा इधर आ। मेरी बीवी पेट से है, इसकी कोख में मेरा होने वाला बच्चा पल रहा है। दुनिया का ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने होने वाले बच्चे की झूठी कसम खाएगा? मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि बाबूजी,
बाकी भैया सच कह रहे हैं, मैं ही झूठ बोल रहा था। राजा, आपने जो इनसे कहने के लिए कहा था इन्होंने सच सच आकर वही मुझे बताया। तुम ठीक कह रहे हो भाभी। हाँ, ना ही तुम पीछा छोड़ने वाली हो ना ही हम पीछा छोड़ने वाले हैं, लेकिन ये 7 जन्मों का वक्त नहीं है हमारे पास, इतना इंतजार नहीं कर सकते हम। हाँ लखन, क्या कह रहा है तू? जो तू सुन रहा है किशन। लखन, ए बदतमीज, अपने बड़े भाई से इस तरह बात करते हैं क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा बकबक की तो गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ये क्या? ताऊ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ। देख, हमने तो चाहा था कि तुम मेरे भाई को गोद लेके हमें इस जायदाद का वारिस बना दो, लेकिन जब साले राजा ने ये बताया कि तुम लोग एक हो गए, हमें तो यकीन ही नहीं आया। अरे बरसों से हम इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि एक दिन ये सारी जायदाद के वारिस हम होंगे, और तुम अचानक एक ही दिन में वो हमारा बरसों पुराना ख्वाब तोड़ देना चाहते हो। एक बात और कान खोलकर सुन दो भड़ाऊ। यही ना कि अगर मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम पे नहीं की तो तुम हमें जान से मार डालोगे। समझदार है, जिस तरह तुम पैदाइशी बेवकूफ हो, मगर तुम्हारी बेवकूफी ने आज एक बात तो साबित कर दी कि हमारे बेटे के सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मेरी जायदाद में मेरे बेटे राजा के सिवा किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम्हारे जो जी में आए सो करो, तुम करो तुम। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, वो आज ही अपने बाप को मारकर बाप बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देता। हाँ। चाचा मैं तुझे ले चलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरे बाबूजी को बाहर बुला लीजिए, सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ये ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी अपने भाई साहब को बाहर लाता हूँ, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुन भाके, मैं भाई साहब को बाहर ले जा रहा हूँ, अगर इन्होंने इंस्पेक्टर के सामने कुछ बकने की कोशिश की तो इस बुढ़िया को यही खत्म कर देना, समझे? समझ गए बुढ़िया। बाबूजी, बाबूजी, चाचा जी ने थाने में जाकर मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखवाई है कि जायदाद के लिए मैं आपका खून कर देना चाहता हूँ, आप इन्हें असलियत बताइए। हाँ हाँ भाई साहब, सच सच बता दीजिए इंस्पेक्टर साहब को, आप बाप को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पुलिस की हिरासत में है, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये। हाँ तू चुप रे कमीने, मेरे बाबूजी खुद बताएंगे कि आस्तीन का सांप कौन है और जायदाद के लिए कौन किसका खून करना चाहता है, समझा? भाई साहब, इस तरह चुपचाप रहने से बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए कि आपका बेटा आपको जान से मार देना चाहता है। हाँ बता दीजिए, बता दीजिए। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप? अब तो तसल्ली हो गई ना इंस्पेक्टर साहब, हो गई ना तसल्ली? मैं समझ गया इंस्पेक्टर साहब, जरूर इसका मिले ने मेरी माँ को मारने की धमकी दी है जो अभी तक अंदर इसके कब्जे में है, इसीलिए मेरे बाबूजी घबरा कर झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी माँ को बाहर बुलाइए, मेरी माँ को बाहर बुलाइए आप। कभी बाबूजी को बुलाओ, कभी मेरी माँ को बुलाओ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ले चलो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पाप पढ़ता हूँ, मेरे माँ बाप को इसके सही के हवाले मत कीजिए, मेरी माँ को एक बार बाहर बुलाइए, मैं जहाँ आप कहते चलने के लिए तैयार हूँ ना। चाचा, अगर मेरे माँ बाप को कुछ हुआ ना, काट डालूंगा।